मैं राम जी, राम जी फिश केयर चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये हमारे फार्म का एक पोखर है जो 3.5 बीघा एरिया है, 200 फीट लंबा है, 100 फीट चौड़ा है और यह बहुत अच्छा पोखर है। इसमें हमने गंगा का मछली स्टॉक किया था 10 बटी। आज ये मछली बिल्कुल फिंगरलिंग के रूप में तैयार है और ये मछली ऐसा हो गया है कि सप्लाई किया जा सकता है, बड़े बिलों में, बड़े जलाशयों में, पोखरों में स्टॉक किया जा सकता है। ये मछली अब नष्ट नहीं होगा। ये 3 से 4 इंची है और ये मछली क्वालिटी इसका गंगा का नेचुरल फिश स्पॉन से तैयार किया हुआ है। गरम लगे ना देते हो कौन? गरम लगे ना? कौन तो कुकिंग करा सकते हैं? लोग आज में ना तुम्हार का जाये वो कौन तेरे पोषण में आते? वही रेल गेट है। कुकुमारी रेल गेट। कौन डिस्टेंस किया? कुकुमारी? रेल गेट। कुकुमारी यहाँ तक कोठा है? ना ना। कुकुमारी হুকুমারি থেকে এটা গেল না হেলগেট হ্যাঁ হেলগেট উপরে উনার মানে গ্রাম পাশে ডিসপেন্সারি ওখানে ডাক্তারি করে হুকুমারি থেকে আরো রেলগেট যাইতে হয় না ওই কদমতলা ওই কদমতলা পহলি বার যো মেরে ইস ভিডিও কো দেখ রহে হ্যায় উসকো সাবস্ক্রাইব কর লিজিয়ে লাইক করকে বেল বাটন দবা দিজিয়ে তাকি মেরে সহযোগ মে রহিয়েগা। मेरे सहयोग में रहने से आपको हमेशा नेचुरल फिश स्पॉन से परिचित होते रहिएगा, हमेशा अच्छा से अच्छा आप लाभ उठा सकते हैं, अपने ज़िंदगी में सक्सेस हो सकते हैं और ग्रोथ के मामले में आपको हमेशा अच्छा से अच्छा ग्रोथ मिलेगा। और किसी तरह की समस्या आपके पास आती है तो मुझसे आप कंसल्ट करते रहिएगा, आपका सभी समस्या का निदान मैं करूँगा अपने वीडियो के माध्यम से, कोई तरह का असुविधा आपको नहीं होगा। एक साल में ये मछली आपका 3 से 3.5 किलो 4 किलो तक हो जाएगा। अभी जो अवस्था में है इसको यदि छोड़ा जाए तो, और रेहू 2 से 2.5 किलो होगा, मृगल 1 किलो तक हो जाएगा। ये अभी इसमें जाल गिरा है, जाल गिर करके जब लगेगा देखिएगा कैसा सुंदर मछली उठता है, इतना अच्छा साइज़ है। इस मछली को देखने के बाद इसका चेहरा, इसका ग्लेस, इसका ग्रोथ सब कुछ आपके समझ में आएगा, इतना अच्छा मछली है। जाल टाना जा रहा है, आस्ते आस्ते जाल करीब आता जा रहा है। इस मछली को यदि आप बड़े जलाशयों में स्टॉक करते हैं, पालन के लिए उसमें छोड़ते हैं, इसको ग्रोथ के हिसाब से थोड़ा दाम तो आपको ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन इसका जितना ग्रोथ होगा उस हिसाब से दाम बिल्कुल नगण्य है और आप बड़ा से बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। बड़े जलाशयों में यदि छोड़ते हैं तो उससे ये होगा कि आप लाखों ही नहीं, आपका इनकम करोड़ों में हो सकता है। मान लिया जाए आपका बिल बहुत बड़ा है और उसमें आपने इसमें 1-1 लाख मछली छोड़ दिया, इस साइज़ का, इस तरह का नेचुरल पोना, तो हर मछली यदि आपका 2.5-3 किलो या 4 किलो हो जाए तो आप क्यों ना करोड़ों में इससे इनकम पा सकते हैं और आप बड़ा से बड़ा आमदनी आपके पास आ सकता है। अभी देखिए ये जो जाल लग रहा है, ये मछली जो उठेगा इसका कितना माने क्लेश है, कितनी चंचलता है और इसका ग्रोथ के हिसाब से इसमें ऐसी बात पाई जाती है, ये मछली जब से छूटेगा तब से इसका ग्रोथ शुरू हो जाएगा और आप यदि इसको साल भर या यदि और भी ज़्यादा रखना चाहें 1.5 साल 2 साल भी रख सकते हैं, आपका 7 से 8 किलो मछली हो जाएगा।
और आप इससे अधिक से अधिक आपको आमदनी का जरिया मिल जाएगा और आप कमा करके आप अच्छे पोजीशन पर आ सकते हैं। ये तो रही मेरे फार्म की बात। मेरे फार्म में ऐसा पूना तैयार हुआ है नेचुरल स्पून से। अब इस पूना को आप अपने से भी मेरे द्वारा स्पून प्राप्त करके तकनीकी तरीका सीख करके आप ऐसा पूना तैयार कर सकते हैं और आप खूब कम दाम में इस पूना को तैयार करके आप अपने जलाशय में स्टॉक कर सकते हैं और आपको अधिक पैसा नहीं लगेगा और आप इससे उत्तम तरीके का मछली पा करके आप उत्तम तरीके का ग्रोथ इस तरीका से आपको हो सकता है। अब सोचिए यदि अपने आप इस तरह का मछली तैयार कर लेंगे तो आपको कितना सस्ता पड़ेगा और कितना अच्छा मिलेगा। इसमें किसी तरह का कोई भी दो नंबरी नहीं कर सकता है और आपको अच्छा से अच्छा प्योर नेचुरल स्पून से तैयार किया हुआ पूना जो कि आज के मार्केट में बहुत महंगा मिलता है, आपको उतना पूना खरीदने में बहुत अधिक पैसा का खर्च करना पड़ेगा जो कि असंभव सा है। इस पूना को अब इस तरह का पूना आप खुद अपने से अपने पोखर में अपने नर्सरी टैंक में तैयार कर लेते हैं, आपको इतना सस्ता पड़ेगा इसका दाम देने में, इसको तैयार करने में जो खर्च हुआ है, क्योंकि ये बहुत सस्ते मूल्य में आपके पास अपना पूना हो जाएगा। और उसको आप अपने जलाशय में स्टॉक करके अधिक से अधिक जैसा कि आप देख रहे हैं ये पूना को प्राप्त कर सकते हैं और इससे अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। अब इतना अच्छा पूना आपको यदि अपने से अपने नर्सरी अपने स्टॉकिंग टैंक में यदि मिल जाए इससे अच्छा क्या होगा। और इसके लिए आप मेरे सहयोग में रहिएगा हमेशा। इस तरह का फिश स्पून, इस तरह का पूना कैसे तैयार होगा और कहाँ से मिलेगा ये मैं आपको बताता रहूँगा। आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा, किंतु मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके बेल बटन दबा के मेरे सहयोग में रहिएगा। हमेशा मैं तैयार हूँ, आपको हेल्प करता रहूँ, आपको सहयोग करता रहूँ और किसी तरह का आपको दिक्कत नहीं होगा। मछली पालन में यही नहीं खाली पूना तैयार करने के लिए बल्कि किसी तरह की बड़ी मछली तैयार करने के लिए किसी तरह की समस्या आती है उसका समाधान मैं करता रहूँगा। देखिए पूना कैसा है, किस तरह का इसमें चंचलता है, किस तरह का ग्रोथ है, किस तरह की मछली देख करके
कितने पार्टी यहाँ आए हुए हैं और आकर के इस कोना को लेना चाहते हैं, उनको अधिक पैसा देने में जरा सा भी हिचक नहीं है और वे सभी लोग इस कोना को लेना चाहते हैं। और आप भी यदि इस कोना से परिचित होना चाहते हैं यहाँ तो ले जाइएगा करके देखिए इसका ग्रोथ कैसा है, उसके बाद आप अपने से तैयार करते रहिएगा, सारा जिंदगी इससे लाभ उठाते रहिएगा। अब आफा में मछली आ चुकी है, अब इसको वजन किया जाएगा और पार्टियों को नाप करके दिया जाएगा। उसमें जितना पाल्ला है उसमें 2 kg करके नापा जाएगा और वे लोग अपने हांडी में उठा करके इसको अपने पोखर में ले जा करके छोड़ेंगे। उनका चॉइस है, चॉइसफुल मछली है, इसको मतलब वो लोग खरीद कर ले जा रहे हैं। अभी देखिए कैसे वज़न हो रहा है, थोड़ा सा वेट कीजिए और आपको वज़न देखने को मिलेगा। लोग मीडिया
हल्के काट हटो यहाँ से ঠান্ডা হয়ে গেল হাত দিয়ে তো জাল এনে ফাড়াবে ওই খারাপ আসতে দিছে দাম টান যদি ভালো যেতে দে अब आपने देखा कि मछली कैसे वजन हो करके दूसरे पोखर में जाने के लिए हंडी में भर के लोग भेन से ले जा रहे हैं और अपने अपने पोखर में लोग छोड़ेंगे। ये मछली लेने के बाद उन लोगों को बहुत संतुष्टि हुई। आपने मेरे वीडियो को देखा, मुझे बहुत शांति मिली। आप मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल बटन दबा करके मेरे सहयोग में रहिए। मैं हमेशा इस तरह के मछलियों से आपको रूबरू कराता रहूँगा और हर समस्या से आपको कैसे समाधान मिलेगा वो मैं बताता रहूँगा। धन्यवाद।